शहर में पानी नू संकट अत्यारे छे। वियरकम कोजवे नी सपाटी 5 मीटर नीचे उतरी गई छे। सपाटी घटता उकई डेम माथी 1100 क्यूसेक पानी छोड़वानी मांग उठी छे। सूरत मनपाए डेम ऑथोरिटी ने पत्र लखीने आ अंगेनी मांग करी छे कि 1100 क्यूसेक पानी छोड़वामां आवे, कारण के भर उनाळे सूरत में पानी नी अछत होय तेवू लागी रह्यु छे। वियरकम कोजवे नी सपाटी 5 मीटर नीचे उतरी गई छे। हजु तो संपूर्ण रीते उनाळो शुरू पण नथी थयो અને એ પહેલા જ જળ સંકટ તોડાઈ રહ્યું હોય તેવું લાગી રહ્યું છે। શહીદ દિવસ નિમિત્તે વડોદરામાં વિશેષ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। રાજ્યપાલ અને મુખ્યમંત્રી ઓનલાઈન આ કાર્યક્રમમાં જોડાશે, તો શિક્ષણ મંત્રી જીતુ વાઘાણી પણ ઉપસ્થિત રહેશે અને ક્રાંતિકારીઓને શ્રદ્ધાંજલિ આપવા માટે આ કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો છે। अपने भविष्य को नहीं देखा, देखा तो केवल राष्ट्र की स्वतंत्रता को, और उनको पता था जिस रास्ते पर हम चले हैं उस रास्ते पर चलने का परिणाम केवल और केवल मौत है। आजाद भारत होगा वो उसको देख भी नहीं पाएंगे, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के सुख के लिए, इस देश की अस्मिता और गौरव को बचाने के लिए उन क्रांतिकारी वीरों ने हंसते हंसते फांसी के फंदों को चूम लिया। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, जिसको गोरखपुर की जेल में बंद किया गया था, भाई और बहनों, अपनी फांसी की बेड़ी पर लटकने से 18 दिन पहले उन्होंने जेल की कोठरी में अपनी आत्मकथा लिखी। आप कभी उसे पढ़ें, वो लिखते हैं, जिस काल कोठरी में मुझे बंद किया गया है वो लोहे के सिकंजों से बनी, उसमें सीधा मैं खड़ा हो नहीं सकता, पैर पसार करके सो नहीं सकता, सीधी किरणें मेरे शरीर पर गिरती हैं और मेरा गौर वर्ण शरीर अब काला पड़ चुका है। इस ऐसी कोठरी में एक घड़े में पानी रखा है, दूसरे घड़े में शौच का घड़ा रखा है। इस बदबू में रह करके मैं उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा हूं कि इस दिन अंग्रेज मुझे फांसी देगा और मैं दोबारा